हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त संजय। ठीक है, तो आज मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ भी वही था, और ये वीडियो मैं एकदम से ही बना रहा हूँ क्योंकि कुछ मोमेंट ही ऐसा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो आप ना चाहते हुए भी और आपको पता ही नहीं चलता, कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो ये बिल्ड्रॉल का अकाउंट है, मैं करीब 1-2 महीने के बाद इसमें आया क्योंकि ऑटोमेशन चलता है, तो वो ऑटोमेटिक चलता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये इतना स्मूथ चलता है कि कुछ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे इसका काफ़ी लुक चेंज हो गया था, तो मैंने इस पे यहाँ पे इसको मैंने लॉग इन किया। ठीक है, लॉग इन करने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि ये मैसेज आया हुआ है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जो मैसेज है ये आया हुआ है, प्रीमियम बिल्डॉल मेंबर इन अप्रिशिएट फॉर योर कंटिन्यू सपोर्ट फॉर बिल्डॉल, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस योर प्रीमियम अकाउंट हैज़ बिन ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड टू द फनल क्लब प्लान विद नो प्राइजिंग चेंजेस। योर मंथली पेमेंट विल रिमेन द सेम एंड यू आर नाउ ऑफिशियली अ फनल क्लब मेंबर। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड प्लीज एंजॉय योर अपग्रेडेड फनल अकाउंट। ठीक है, तो इन लोगों ने, मतलब मैं इनका प्रीमियम 1 साल से मेंबर हूँ, तो इन लोगों ने जो मेरा अकाउंट था, नॉर्मल अकाउंट था, नॉर्मल अकाउंट को इन लोगों ने फनल, मुझे फनल क्लब की मेंबरशिप ऑलरेडी दे दी है और मैं अब फनल क्लब का मेंबर बन गया हूँ। तो ये मेरे हैप्पी मोमेंट था, इसलिए मुझे अचानक से ही ये मुझे पूरा बनाना पड़ा। ठीक है, वीडियो तो मैं अपने आप को भी कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ और बिल्डॉल की टीम को भी कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि उनका इतना स्मूथ और इतना प्यारा सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है। ठीक है, जिसके कारण मैं ऑटोमेशन, अफिलेट मार्केटिंग, सारी जर्नी मैंने यहीं से स्टार्ट करी थी और यही मेरा पहला सॉफ्टवेयर था जिसको मैं पकड़ के चला हूँ। 1 साल हो गया मुझे करीब करीब। ठीक है, तो और भी मैंने एवेबर और बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करी थी, पर सबसे अच्छा मुझे जो मैं इसको यूज़ कर रहा था, जब मैंने इसको यूज़ करना चालू किया तो यही मैं यूज़ कर रहा था। ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, प्लान्स पे, तो प्लान्स में अगर आपको मैं दिखा दूं तो इसके लिए 200 या $199 अलग से पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो 69 वाला है, ये तो होता ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और इन लोगों ने शायद प्रीमियम प्लान्स भी चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो ये तो लगता ही लगता है। ठीक है, और डिस्क्रिप्स, क्योंकि मेरा तो शायद अनलिमिटेड ऐसा कुछ है। ठीक है, वो देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे ये जो फीचर्स थे, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद जो बिल्कुल ये वाले जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, फनल सारे चीज़ होते हैं, ये यहाँ पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे अब जो मेरा प्लान है, ठीक है, तो ये जो फनल क्लब है, आप देख लो यहाँ पे USD फर्स्ट पेमेंट, ठीक है, $200 की लगती है। तो $200 अब मुझे पे नहीं करना है, मेरा जो जो प्रीमियम में मेरी जो मार्केट, मतलब मेंबरशिप की प्लान थी, वो ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 79 लगता है। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम ये वाली जो थी, ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम कस्टमर था मैं, यहाँ पे इन लोगों ने शायद ये जो जो प्लान है ये वाला अभी अपग्रेड किया है। ठीक है, तो मेरे को जो प्लान मिला है, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट लिखा है क्या, प्रीमियम बिल्डॉल मेंबर। ठीक है, तो प्रीमियम बिल्डॉल मेंबर, तो ये जो प्रीमियम वाला है यही वाला शायद, और ये इसमें फनल क्लब भी जुड़ गया। ठीक है, अब ये जो मार्केटर वाला है ये चेंज हो गया, तो मतलब मेरा जो प्लान है मुझे सब फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, अब ये भी फैसिलिटी मुझे मिलेगी, मतलब मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें और कर सकूँगा। ठीक है, 10 डिजिटल प्रोडक्ट, फनल, फिजिकल, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग, मज़ा आ गया आज तो, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो अब मैं इसको जाके अंदर देखना पड़ेगा मुझे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीज़ होगी, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बाकी मैं इसको यहाँ पे ओके करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ओके किया। प्लीज़ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट फॉर द एरिया यू वॉन्ट टू फोकस ऑन यूजिंग द बिल्डॉल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस और बड़े भी होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च वाला भी हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट क्रिएशन में क्या क्या आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें, सब बहुत सारी चीज़ें नई दिख रही है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं प्रोडक्ट लॉन्च। ठीक है, तो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बिगनर, आई हैव अ लिटिल टू नो एक्सपीरियंस एंड आई वुड लाइक टू लर्न मोर टू इम्प्रूव। अच्छा, वो आई एम नॉलेजेबल एंड आई नो द बेसिक, बट
इन लोगों ने शायद अपना जो डैशबोर्ड मतलब पूरा जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट किया, क्योंकि वो पहले ऐसा नहीं दिखता था। ठीक है, तो पहले अलग दिखता था। ठीक है, तो अब मैं अपना जो मेरी जो चीज़ें हैं मैं उनको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, पहले इन लोगों ने पूरा जो इनका जो पूरा मॉकअप मतलब क्या कहना चाहिए उसका जो पूरा लुक एंड फील है वो चेंज हो गया काफ़ी। ठीक है, पहले अलग दिखता था यहाँ पे। और जो एप्स थी, ठीक है, तो ये यहाँ पे बीटा टेस्ट लिखा हुआ है, 5.0 आ गया मिलर लाइट। ठीक है, और सोशल ऑटो पोस्ट ऐप हो गया, यहाँ पे हेल्प डेस्क हो गया। ठीक है, वर्डप्रेस नहीं हो गया, वूकॉमर्स नहीं आ गया, एसएमएस मैसेजिंग नहीं आ गई। ठीक है, तो इनका जो डैशबोर्ड है काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और अब जो मेरा एक वो था कि ये जो मैंने है मेरा जो, ठीक है, तो जो कोर्सेस हैं मेरे, तो इसको मैं एक्सेस करके देखता हूँ। और ये 1, 2, 3 क्या दिखा रहा है? अच्छा, देखते हैं ये क्या दिखा रहा है। ये भी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है वो देख लेते हैं अपन, क्योंकि वहीं मेरा सिस्टम मार खाता था। अगर ये भी चीज़ हो गई होगी तो बहुत बेहतरीन। और ये तो मुझे पहले जैसे ही लग रहा है। ठीक है, तो इसमें जो चेंजेस हैं इसमें, ये तो पहले जैसे ही मतलब ओवरऑल इन्होंने बाहर का वो जो चेंज है वो किया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा जो पेज है वो खुल रहा है कि नहीं, क्योंकि यहीं पे कुछ मेरे मतलब सिस्टम मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ मेरे पेन पॉइंट थे, थोड़ा सा ग्राफिक्स के लिए मार खा जाता है सिस्टम। अगर खुल रहा है तो बहुत ही बेहतरीन बात है, क्योंकि मुझे अभी और भी फनल्स बनाने हैं और बहुत कुछ करना है। तो देखते हैं, लेट्स सी, तब तक हम यहाँ पे चलते हैं। ट्यूटोरियल्स भी शायद इसमें अपग्रेड हो गए, यहीं पे आ गए शायद। और क्या क्या है? और मैं अपनी वही है, अभी थोड़ा सा लैग कर रहा है सिस्टम। चलो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, और एक बार मेरा जो मेलिंग लिस्ट है वो देख लेते हैं। मेलिंग लिस्ट में क्या हुआ है? इन लोगों ने शायद ऊपर ऊपर का चेंज कर दिया है अंदर का वैसे ही, क्योंकि ऑलरेडी एक बार तो बन ही चुका है ना। तो यहाँ से ऐसे सिस्टम को हम अपग्रेड करते हैं। ठीक है गाइस, में डेटा तो है वैसे ही, और इन्होंने क्या लुक एंड फील ऊपर का चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं और भी चलता हूँ यहाँ पे, और इसकी जो जो यहाँ पे अफिलेट वाले में,
लुक एंड फील भी चेंज कर दिया, कुछ फंक्शन भी चेंज कर दिए और काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और यहाँ पे जो मेरे कमीशन आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और एक कमीशन पड़ा भी होगा इसमें, ये कमीशन रखा हुआ है यहाँ पे। और सबसे मज़ा तो ये वाला है, इसको एक बार देख लेते हैं। ओ इस वाव गजब, पूरा का पूरा फनल बिल्डर ही पूरा का पूरा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी फनल बनाने के लिए। बहुत ही अमेजिंग, यहाँ पे डेंटल के लिए ये डाउनलोड एड्स, एड प्रिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया, भाई मज़ा ही आ गया आज तो, मज़ा ही आ गया। वाह ग्रेट, अमेजिंग मोमेंट है ये, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया यहाँ पे। और थैंक यू बिल्डॉल, थैंक यू फॉर गिविंग दिस। थैंक यू गाइस, सब मेरे को आपको यही बताना था, और आज बस इतना सा शॉर्ट वीडियो ही था, तो यही बताना था मुझे, और क्या क्या था वो मैंने देख लिया और आप लोग को भी दिखा दिया, तो इतना ही डिटेल्स मुझे बताना था आपको। और ये अमेजिंग मोमेंट है कि मुझे मतलब और भी चीज़ें बन गई जो कैरियर इनहेंस करने में आगे देगी, और लर्न करने में आगे, ग्रोथ करने में आगे मतलब हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही था, और अगर आपको भी $1 की लिंक चाहिए, या $1 से अगर इस प्लान को एक्टिवेट करना चाहते हो, 1 महीने के लिए ट्रायल करना चाहते हो, तो बिल्डॉल को ट्रायल कर सकते हो। अगर लिंक चाहिए आपको तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा $1 की, आप उसको एक्टिवेट कर लेना और एक बार यूज करके देखना, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही शानदार है। अगर आपको अपने डिजिटल कैरियर, डिजिटल मार्केटिंग या अफिलिएट मार्केटिंग में कैरियर बनाना है, चाहे आप प्रोडक्ट सेल करो या सर्विस सेल करो, आपको फनल की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लीड मैग्नेट करना है या प्रोडक्ट सेल करना है या ऑनलाइन कोर्स बेचना है, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी। और सबसे सुंदर और टिकाऊ सॉफ्टवेयर यही लगा मुझे, और जिसके मतलब उसके अलावा मुझे और कहीं इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, एड्स पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, दैट्स इट, और उसके अलावा और कहीं नहीं करना पड़ता है। तो ये अमेजिंग मोमेंट है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक बार, एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करके देखो। मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज शुरू में दिखाया, अमेजिंग था। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार तो यूज करके देखो। ठीक है, एक ही डॉलर लगता है उसमें, ₹70। ठीक है, एक मसाले डोसे से भी कम लगता है, तो कर सकते हो, करना हो तो, नहीं तो आपकी मर्जी। बाय, थैंक यू गाइस, बाय।